पृथ्वी पर कछुओं के जीवन की उत्पत्ति की कहानी शुरू होती है आज से 215 मिलियन साल पहले, जब पृथ्वी पर लेट ट्रायसिक पीरियड का दौर आया। तब छिपकली और रेप्टाइल्स जैसे जीवों में कई सारे बदलाव आए, जिसने जुरासिक पीरियड यानी पृथ्वी पर डायनासोर जैसे विशालकाय जीवों की जन्म की नींव रखी। कछुए के जीवन की उत्पत्ति भी लेट ट्रायसिक पीरियड में हुई, लेकिन लेट जुरासिक पीरियड आते आते तक यह पूरी तरह अस्तित्व में आया। करोड़ों वर्ष के उतार चढ़ाव और पर्यावरण में आए कई सारे बदलाव के बाद भी यह आज तक अपने अस्तित्व को बचाए हुआ है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कछुए के जीवन चक्र को समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल के ऊपर हमने कई वीडियो बनाई है, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, कछुआ कोर्डेटा फाइलम के कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, जो कि जल और थल दोनों पर रह सकते हैं। यह अपने जीवन का अधिकांश समय पानी में ही व्यतीत करते हैं, लेकिन सांस लेने, धूप सेकने और अंडे देने जैसे खास मौकों पर बाहर निकलते हैं। कछुए के जीवन चक्र की प्रक्रिया में एग, हैचिंग, जुविनाइल और एडल्ट जैसे चार स्टेज होते हैं, जिसकी शुरुआत नर और मादा के मिलन से शुरू होती है। दोस्तों, कछुआ भी एक मेंढक की तरह लो फ्रिक्वेंसी मेटिंग कॉल्स का इस्तेमाल कर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मिलन के समय नर मादा के अंडों को फर्टिलाइज करता है। जब एक बार मादा के अंडे फर्टिलाइज हो जाते हैं, तब मादा अंडे देने के लिए उचित स्थान का चुनाव करती है, जो कि नदियों, तालाबों और समुद्र के किनारे होते हैं। उचित स्थान का चुनाव कर मादा घोंसले बनाना शुरू करती है। दोस्तों, आपको बता दें कि घोंसला बनाते समय मादा तापमान और नमी का खास ख्याल रखती है, क्योंकि तापमान के आधार पर कछुए के बच्चे नर और मादा में विकसित होते हैं। अधिक तापमान पर मादा विकसित होती है, वहीं निम्न तापमान पर नर विकसित होता है। घोंसला बनाते समय स्थलीय कछुए अपने पैरों का इस्तेमाल करते हैं, वहीं समुद्री कछुए फ्लिपर्स का इस्तेमाल कर घोंसले का निर्माण करते हैं। घोंसले के निर्माण की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद मादा अपने साइज के अनुसार 30 से लेकर 120 तक अंडे देती है और पुनः घोंसले को ढक देती है। कछुए के जीवन चक्र में सबसे कठिन समय अंडों से बच्चों के बाहर निकलने का होता है, क्योंकि अंडों से मात्र 30% बच्चे ही बाहर निकलते हैं। 70% अंडे समुद्र से निकलने वाले हाई टाइड और कई जीवों के शिकार बन जाते हैं। अब इन अंडों से लगभग 6 से 8 सप्ताह बाद नन्हे कछुए बाहर निकलते हैं और समुद्र की जलधारा की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन यहाँ भी इनकी मुश्किलें कम नहीं होती। यह कई जीवों के शिकार बन जाते हैं। कई शोध से यह पता चला है कि कछुए के मात्र 1% बच्चे ही एडल्ट तक सर्वाइव कर पाते हैं। घोंसले से बाहर निकलकर खुले समुद्र में जाने के बाद यह अपने लाइफ साइकिल के तीसरे चरण, जुबिनाइल स्टेज यानी कि किशोर अवस्था में पहुंचता है। अंडों से निकले छोटे कछुए शुरुआती दिनों में कवच के निचले हिस्से में मौजूद जर्दी की थैली से भोजन प्राप्त करता है, लेकिन जल्द ही यह अपना भोजन स्वयं ढूंढने लगता है। जुबिनाइल स्टेज या तीसरे चरण में पहुंचने के बाद यह अनिश्चित काल तक समुद्र में तैरता है, जहां यह मछली के अंडे, जेलीफिश जैसे जीवों का शिकार कर भोजन प्राप्त करता है और अपने विकास की इस प्रक्रिया में लग जाता है। जुबिनाइल स्टेज से पूरी तरह एडल्ट होने में कछुओं को 10 से लेकर 30 सालों तक का समय लग जाता है, जो कि इनके प्रजातियों के आधार पर निर्भर करता है। छोटे कछुए जल्द ही विकसित हो जाते हैं। एडल्ट हो जाने के बाद कछुए गहरे पानी में तैरते हैं और मीलों का सफर तय करते हैं। यह कछुए जब प्रजनन कर अंडे देने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब ये भी घोंसला बनाकर अंडे देने की इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं और जीवन चक्र की इस प्रक्रिया को बनाए रखते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। लाइफ साइकिल से जुड़े और वीडियोस को देखने के लिए प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।